हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी कंटिन्यू टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑन गैस टरबाइन। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कांस्टेंट प्रेशर ओपन साइकिल गैस टरबाइन एयर एंटर्स एट 1 bar एंड 20 degree Celsius। ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर ओपन साइकिल गैस टरबाइन है हमारे पास, तो हमने साइकिल ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ठीक, एयर एंटर्स एट 1 bar, एयर एंटर कर रही है 1 bar पे, दैट मींस कंप्रेसर का इनलेट प्रेशर दे रखा है हमें। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो एयर एंटर कर रही है 1 bar पे, दैट मींस हमें क्या दे रखा है, P1 दे रखा है 1 bar एंड 20 degree Celsius, तो हमें T1 भी गिवन है, दैट इज 20 degree Celsius। लीव्स द कंप्रेसर एट 5 bar। अब कंप्रेसर को कहाँ पे ये लीव कर रही है, यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द कंप्रेसर, तो यहाँ पे 2 point हो गया। तो ये कह रहा है कि लीव्स द कंप्रेसर एट 5 bar, दैट मीन्स हमें P2 गिवन है, दैट इज 5 bar, राइट। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, तो कुछ डेटा हमें गिवन है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस एंटरिंग द टर्बाइन, तो ये टर्बाइन जो हमारा प्रोसेस होता है, दैट इज 3 to 4, तो टेम्परेचर ऑफ गैसेस एंटरिंग द टर्बाइन हमें यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे यानी कि T3 गिवन है, तो एंटरिंग द टर्बाइन जो एंटर है, जो इनलेट है टर्बाइन का, वो कौन सा पॉइंट है, 3, तो हमें T3 गिवन है यहाँ पे, दैट इज 680 degree Celsius। ठीक है, प्रेशर लॉस दे रखा है। ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन को चूज करा है कि इसमें प्रेशर लॉस गिवन है। जो हमारे पास मेजर जो इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम अक्सर कंप्रेसर और टरबाइन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कंबशन चैम्बर की हम यहाँ पे बात नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रेशर लॉस दे रखा है कंबशन चैम्बर में भी। ठीक है, दैट इज 0.1 bar। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो गया कि ये लाइन 2 to 3 जो ये है, वो ऐसे फॉलो नहीं करेगी, दैट विल बी लाइक दिस, देयर इज सर्टेन प्रेशर लॉस। ठीक है, कंबशन चैम्बर में होगा, और ये लॉस हमें कितना दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है हमें 0.1 bar का, राइट। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस प्रेशर लॉस के, कि जो हमारा कंप्रेसर है वो 1 bar और 5 bar के बीच में काम कर रहा है, लेकिन वही सेम प्रेशर रेशियो हमारा टर्बाइन के केस में नहीं होगा इस बार। ठीक है, हमें टर्बाइन का, क्योंकि ये 0.1 bar का इसमें लॉस हो गया है, तो ये जो नया पॉइंट आ गया, दैट इज ऑफ 4.9 bar। ये लाइन थी हमारी 5 bar की, इसमें 0.1 का लॉस हुआ, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया इस बार, 4.9। तो लेट्स से कि जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है 3 dash, और जो नीचे वाला पॉइंट है, दैट इज 3, तो ये 3 point किस प्रेशर पे काम कर रहा है, 4.9 bar पे। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, द आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी दे रखी है कंप्रेसर की, तो ये अगेन ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, थोड़ा डेविएटेड, और आइसेंट्रॉपिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन भी दे रखी है, तो ये भी थोड़ा डेविएटेड होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से द आइसेंट्रॉपिक पॉइंट्स आर 4S एंड 2S, और जो एक्चुअल है हमारे वो 2 और 4 हो गए। ठीक है, कंबशन की एफिशिएंसी दे रखी है, तो ये दिस कंबशन पार्ट इज ऑल्सो नॉट 100% एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी जितनी हमें चाहिए थी, ठीक है, उससे ज़्यादा, क्योंकि कंबशन की एफिशिएंसी 85% दे रखी है। फॉर एयर टेक CP 1.024 CP और गामा हमें गिवन है एयर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेशन इफ प्लांट डेवलप्स 1065 kW। क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेशन बतानी है हमें अगर प्लांट 1065 की पावर डेवलप करता है, तो हमें पावर इज गिवन 1065 kW, राइट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से हमें मास निकालना है, क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटेड निकालनी है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो है मास फ्लो रेट इनटू डब्ल्यू नेट। ठीक है, अगर हम मास फ्लो रेट से अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल गेट द पावर, तो पावर हमें पता है, ठीक है, दैट इज 1065। ठीक है, एम हमें निकालना है। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज द नेटवर्क, तो नेटवर्क अगर हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो यहां से हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू नेट विल बी इक्वल टू WT - WC, दैट इज टर्बाइन वर्क माइनस द कंप्रेसर वर्क, राइट। तो टर्बाइन वर्क हमारे पास क्या हो गया, सीपी। अब टर्बाइन वर्क यहां पे कितना है, T3 और T4 के बीच में। ठीक है, तो T3 माइनस T4 माइनस कंप्रेसर वर्क CP T2 माइनस T1, राइट।
तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है। तो सीपीवी है 1.024, ठीक है। हमारे पास T3 और T1 भी गिवन है। हम यहाँ पे एक चीज देखनी है कि सीपी जो हमें दी हुई है वो है 1.024 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो वी हैव दीज टेम्परेचर्स इन केल्विन, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास हो जाएगा 293 केल्विन, और 680 प्लस 273 ये हो जाएगा हमारे पास 953 केल्विन, ठीक है। तो ये हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे T4 और T2, ठीक है। तो T4 और T2 निकालते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो T4 निकालने के लिए T2 पहले देखते हैं। तो T2 निकालने के लिए पहले मुझे T2S चाहिए होगा। तो T2S ओवर T1 ये हमारे पास फिर से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, P2 ओवर P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। तो यहाँ पे हमें T2S नहीं पता, T1 हमें पता है, दैट इज 293। P2 जो ये पॉइंट है ये 5 बार पे काम कर रहा है, ठीक है, ओवर वन 1.4 गामा की वैल्यू गिवन है हमें 1.4। तो यहाँ से हम T2S को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और वो T2S कितना आ जाएगा, 464.06 केल्विन। तो ये हमारे पास T2S आ गया है, ठीक है। नाउ हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है, T2S माइनस T1, यानी कि आइसेंट्रोपिकली हमें कम वर्क करना पड़ता है लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा वर्क देना पड़ रहा है कंप्रेसर को। तो दिस इज T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गई, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है 0.85, राइट, इज इक्वल टू T2S इज 464.06 माइनस हमें T1 गिवन है 293, T2 माइनस 293। तो यहाँ से हम T2 को फाइंड आउट कर लेंगे, एंड दैट T2 इज 494.25, 494.25। तो ये हमारे पास T2 आ चुका है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम T4 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो T4 के लिए हमारा जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस शुरू हुआ है वो इस बार 3 डैश से नहीं हुआ, वो 3 से हुआ है। तो हमें क्या करना है, T3 ओवर T4 इज इक्वल टू P3 ओवर P4 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। तो T3 हमें पास पता है, हमें T3 कितना है, 953, राइट। T4 हमें तो T4S यहाँ पे निकलेगा, सॉरी T4S निकालेंगे क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो T4S निकालेंगे, ठीक है। T4S हमें निकालना पड़ेगा। P3 ये वाला पॉइंट है, तो इसमें लॉस हो चुका था 5 बार से 0.1 बार का। तो ये इस बार वैल्यू कितनी होगी, 4.9 होगी। हम अक्सर जब ये सॉल्व करते हैं तो प्रेशर रेशो सेम लेते हैं कंप्रेसर का और टरबाइन का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है, इसलिए 4.9 बार को हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि 5 को अब ओवर 1, क्योंकि ये हमारा जो प्रेशर लाइन है वो 1 बार की है, ठीक है, की पावर 1.4 माइनस 1 ओवर 1.4। तो यहाँ से हम T4S को कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट T4S हमारे पास आएगा, सॉल्व करेंगे तो 605.2 केल्विन, ठीक है। अगेन विल यूज द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होती है, वो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन होती है कि हमारे पास आइसेंट्रोपिकली जितना जो रियल में हमें वर्क मिला, ठीक है, टरबाइन से, ओवर आइसेंट्रोपिकली जितना मिल सकता था। तो T3 माइनस T4 ओवर T3 माइनस T4S। तो यहाँ पे हमारे को आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है टरबाइन की 0.8। तो 0.8 इज इक्वल टू T3 वी हैव 953 माइनस T4, और वो T4 हमें कितना दे रखा है, ये T4 हमें निकालना है, राइट। T3 इज 953 माइनस T4S इज 605.2, ठीक। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और T4 निकाल लेंगे, एंड दैट T4 इज 674.76 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास T4 आ गया है। तो हम जो हमारे टर्बाइन नेटवर्क आउटपुट निकालना था उसी में हमने सारे के सारे टेम्परेचर्स अब हमारे पास हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द नेट वर्क, दैट इज CP T3 CP
T3 इज गिवन 953 माइनस T4, T4 हमने निकाल लिया है 674.76, ठीक है, माइनस CP अगेन, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास T2, एंड T2 कितना है हमारे पास, T2 हमने सॉल्व करा था दैट इज 494.25, एंड माइनस T1, तो T1 हमें गिवन था 293 केल्विन्स, ठीक है, तो CP हमारे पास 1.024 गिवन है इस बार, ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है, तो दिस 1.024 953 माइनस 674.76 माइनस 1.024 494.25 माइनस 293, तो ये हमारे पास टर्बाइन वर्क हो गया 1.024, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 284.92 माइनस हमारा ये कंप्रेसर वर्क हो गया 494 वाला, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 206.08, ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78.84 किलो जूल पर केजी, तो ये हमारे पास नेट वर्क डन आ गया है, ठीक है, अब नेट हमारे पास वर्क आ चुका है, तो हम वहाँ से अब 1065 पावर गिवन थी, यहाँ पे डब्ल्यू नेट हमने निकाल लिया है 78, तो यहाँ से हम एम निकाल सकते हैं, तो एम कितना हो जाएगा 1065 ओवर डब्ल्यू नेट, एंड दैट डब्ल्यू नेट इज 1065 ओवर 78.84, तो ये हमें सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.51 केजी पर सेकेंड, राइट, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे मास निकाल सकते हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है हीट सप्लाइड बताना है, इसकी एक्चुअल हीट सप्लाइड कितनी है, ठीक है, क्योंकि हमें कंबशन एफिशिएंसी दे रखी थी तो हीट सप्लाइड देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो दैट कंबशन एफिशिएंसी, जो कंबशन एफिशिएंसी होगी, ठीक है, वो क्या हो सकती है, वो होगी जो थियोरेटिकल हीट सप्लाइड, राइट, थियोरेटिकल हीट सप्लाई ओवर एक्चुअल हीट सप्लाइड। अभी ये क्या चीज, ये कैसे हमने देखी, क्योंकि थियोरेटिकली हमें कम हीट देनी पड़ती, लेकिन एफिशिएंसी कम होने की वजह से एक्चुअल हीट सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो दैट थियोरेटिकल ओवर एक्चुअल जो होगा वो हमारे पास कंबशन की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो हमें एक्चुअल हीट सप्लाई बतानी है कितनी है, हमें कंबशन की एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन है दैट इज 0.85, राइट, तो थियोरेटिकल हीट सप्लाई पहले देख लेते हैं, थियोरेटिकल हीट सप्लाई कितनी होगी, तो थियोरेटिकल हीट सप्लाइड हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी सीपी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइकिल में देखें तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, दिस इज योर हीट सप्लाइड, लेकिन यहाँ पे प्रेशर लॉस था, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ यहाँ मिलेगा, तो ये 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो T3 माइनस T2 ये हमारे पास थियोरेटिकली हीट सप्लाइड होगी, तो दैट इज 1.024, T3 हमने गिवन था हमें 953, ठीक है, और T2 हमने सॉल्व कर लिया था 494.25, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 469.76 किलो जूल पर केजी, तो इस तरीके से हमने थियोरेटिकल हीट सप्लाइड निकाल ली है, तो एक्चुअल हीट सप्लाइड जो होगी हमारे लिए कितनी हो जाएगी, एक्चुअल हीट सप्लाइड विल बी, ठीक है, एक्चुअल हीट सप्लाइड ये ऊपर चला जाएगा, कंबशन ऑफ एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, तो थियोरेटिकल क्यू थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ कंबशन, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 469.76 ओवर 0.85, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 552.66 किलो जूल पर केजी, राइट, तो ये हमारे पास एक्चुअल हीट सप्लाइड आ गई, तो हम देख भी पा रहे हैं कि हमें थियोरेटिकली कम देनी थी, लेकिन क्योंकि एफिशिएंसी कम थी इस वजह से हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल हीट सप्लाइड हो गई। लास्ट उसने पूछा है हमसे कि व्हाट इज़ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, तो थर्मल एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला डब्ल्यू नेट ओवर क्यू सप्लाइड, तो डब्ल्यू नेट हमने निकाला था जब हमने मास निकाला था, तो दैट डब्ल्यू नेट इज 78.85 और क्यू सप्लाइड हमें अभी निकाली है 552.66, ठीक है, तो दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 14.26%, तो दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास, एयर एंटर्स द कंप्रेसर ऑफ एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड ब्रिटन साइकिल एट 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। तो फिर से हम यहाँ पे सबसे पहले साइकिल, क्योंकि जब भी हमें इंग्रेस टर्बाइन की या न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हमें साइकिल्स, बेसिकली नॉट नेसेसरली गैस टर्बाइन, जब भी पावर साइकिल्स के हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं, सबसे पहले हमें साइकिल बनानी चाहिए, ठीक है। तो हमने साइकिल ड्रॉ कर लिया है ये। तो एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट एयर स्टैंडर्ड ब्रिटन साइकिल, तो एट 100 किलो पास्कल, तो 100 किलो पास्कल यानी कि हमें क्या दे रखा है, P1 हमें गिवन है 100 किलो पास्कल, राइट। तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट ये हमें दे रखा है, यहाँ पे एंटर कर रही है, एंड 300 केल्विन, T1 भी गिवन है 300 केल्विन, इज कंप्रेस्ड टू अ 1000 किलो पास्कल, कंप्रेस हुई है 1000 किलो पास्कल तक, यानी कि ये हमारे पास क्या दे रखा है, P2 दे रखा है। कंप्रेस करने के बाद हमारा प्रेशर कितना हो गया, 1000 किलो पास्कल, तो ये हमारे पास 1000 किलो पास्कल आ गया। द टेम्परेचर ऑफ द इनलेट टू द फर्स्ट टर्बाइन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि द टेम्परेचर ऑफ द इनलेट टू द फर्स्ट टर्बाइन, यानी कि दो टर्बाइन लगी हुई होंगी, और दो टर्बाइन का मतलब क्या हो गया कि ये किस केस में लगी होती हैं, री हीटिंग में लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक री हीटिंग का मॉडिफिकेशन पर न्यूमेरिकल है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एट द इनलेट टू द फर्स्ट टर्बाइन इज 1400 केल्विन, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे हीटिंग हुई और इंटरमीडिएट प्रेशर तक, टेम्परेचर तक, हम इस प्रेशर तक इसको एक्सपेंड कराते हैं फर्स्ट टर्बाइन में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्बाइन में इनलेट, तो दैट इज हमें T3 गिवन है 1400 केल्विन, ठीक है। द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस आइसेंट्रोपिकली इन टू स्टेजेस, टू स्टेजेस है, विद रीहीट टू 1400 केल्विन बिटवीन द टू स्टेजेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जो रीहीटिंग करी गई वो वापस 1400 केल्विन तक ही करी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा वो कहाँ तक होगा, यहाँ तक, ठीक है। दैट इज अगर ये इंटरमीडिएट एक्सपेंशन यहाँ तक हुआ था, दिस इज 5 पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट भी T3 के बराबर है, तो दिस इज T5, ठीक है, ये 1400 केल्विन ही है, ठीक है। एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल, तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर भी हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज P4, ठीक है। तो P4 हमें गिवन है, दैट इज 300 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये हमें गिवन हो गया है, ठीक है। अ रीजनरेटर हैविंग इफेक्टिवनेस ऑफ 100%, एक रीजनरेटर भी लगा हुआ है इसके अंदर, तो रीजनरेटर काम क्या होगा कि हम यहां तक इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये एग्जॉस्ट की जितनी भी एनर्जी होगी हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, फॉर हीटिंग द एयर बिफोर गोइंग इनटू द कंबशन चैम्बर। तो ये हमारे पास जितनी भी हीट होगी ये कहां से चली जाएगी, क्यू रीजनरेशन से। तो बेसिकली यहां पे इस पॉइंट से, ये इफ दिस पॉइंट इज 6 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज 7, तो इस रीजनरेशन से क्या फर्क पड़ेगा कि हमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो 7 से 3 तक करनी पड़ेगी, ना कि 2 से 3 तक, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, तो थर्मल एफिशिएंसी वो पूछ रहा है आपसे साइकिल की, तो व्हाट विल बी द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, अगेन दैट इज डब्ल्यू नेट ओवर क्यू सप्लाइड, कितनी हमें क्यू सप्लाई करनी पड़ी है और क्या डब्ल्यू नेट है। तो देख लेते हैं कौन कौन से टेम्परेचर्स की हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, सबको निकालने का तरीका। तो डब्ल्यू नेट विल बी योर टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क ओवर क्यू सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू टी कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू टी के लिए हमारे पास दो टर्बाइन्स हैं, तो 3 to 4 सी पी T3 माइनस T4 पहला एक्सपेंशन प्लस सी पी T5 माइनस T6 ये दूसरा एक्सपेंशन, तो ये टर्बाइन वर्क हो गया हमारे पास। कंप्रेसर वर्क हो गया हमारे पास सी पी T2 माइनस T1, राइट। एंड क्यू सप्लाइड, क्यू सप्लाई हमारे पास कितना हो गया, T3 7, ठीक है, सी पी T3 माइनस T7 प्लस रीहीटिंग भी करी गई थी, तो यहाँ पे सी पी T5 माइनस T4, राइट। तो अब हमारे पास ये सब ये एक्सप्रेशन आ गए हैं, ठीक है। सी पी भी नो अगर हमें गिवन नहीं होती है तो हम 1.005 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सी पी हमारे लिए नोन है, T3 हमें पता है, ठीक है, T5 हमें पता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट T2, ठीक है, हमें T2, T4 और T6 निकालना पड़ेगा इसमें, तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो T2 निकालने का क्या तरीका होगा हमारे पास,
टी टू फिर से एसेंट्रॉपिक प्रोसेस, इस बार एफिशिएंसी भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये मानेंगे कि ये जितने प्रोसेस हैं वो आइसेंट्रोपिक ही हैं, ठीक है। तो टी टू ओवर टी वन विल बी इक्वल टू पी टू ओवर पी वन की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा, ठीक है। पी टू हमें गिवन है 1000 किलो पास्कल तक इसका एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो हमें टी टू ही निकालना है, टी वन हमें गिवन है 300 केल्विन्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू पी 2000 हमें और पी 100 ये गिवन है ओवर 1.4 माइनस 1 ओवर 1.4। तो यहाँ से हम टी टू को फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट टी टू विल बी इक्वल टू 579.21 केल्विन, राइट। तो ये हमने टी टू निकाल लिया है। इसी सिमिलरली हम यहाँ पे टी फोर हमें निकालना होगा। तो T3 ओवर T4 इज इक्वल टू P3 ओवर P4 की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो T3 हमें पता है यहाँ पे कितना है, 1400। T4 हमें यहाँ पे निकालना है, P3 हमें पता है कितना है, P3 यानी कि ये वाला पॉइंट का प्रेशर, तो ये हमें कितना दे रखा है, ठीक है। ये P2 के बराबर होगा P3, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1000 ओवर P4। अब ये वाला इंटरमीडिएट प्रेशर हम यूज़ करेंगे, तो इंटरमीडिएट प्रेशर हमको कितना दे रखा है, 300। तो ये हमारे पास 300 आ गया, फिर से 1.4 माइनस 1 ओवर 1.4 गामा माइनस 1 ओवर गामा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T4 आ जाएगा 992.5 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास T4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे T6 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा T5 ओवर T6 इज इक्वल टू P5 ओवर P6 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। यहाँ से हम T5 हमें पता है 1400 है, T4 के बराबर था, ठीक है। T6 हो गया, P5 P4 के बराबर है, दिस इज विल बी इक्वल टू P5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है P5, दैट इज सॉरी 300 ओवर T6। ये P6, ये P1 वाला प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 100। तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 ओवर 1.4, राइट। P1 और P6 एक प्रेशर लाइन पे हैं और T4 और T5 हमारे पास एक प्रेशर लाइन पे हैं, तो इसीलिए हमने 300 और 100 यूज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ से हम T6 निकाल लेंगे और T6 हमारे पास आ जाएगा 1022.8 केल्विन। तो अब हमारे पास तीन, यहाँ पे हमारे पास सारे ही प्रेशर टेम्परेचर्स आ गए हैं, ठीक है। T3 हमें गिवन था, T4 हमने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं या देख लेते हैं, T1 हमारे पास गिवन था 300 केल्विन, T2 हमने कैलकुलेट कर लिया 579.21 केल्विन्स, ठीक है। T3 हमें गिवन था 1400 केल्विन, राइट। T4 हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 992.5 केल्विन। T5 हमें गिवन था 1400 केल्विन, ठीक है। T6 हमने कैलकुलेट कर लिया है 1022.8 केल्विन। अब बचा T7, ठीक है। तो ये T7 क्या होगा, ये T7 T6 के बराबर होगा। ये देखो, हमने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे भी देखा था कि दिस इज T6 जो है वो T7 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि रीजनरेटर इज हैविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ 100%। तो जितनी भी उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 100% है, उसके पास जितनी भी एनर्जी थी उसने पूरी की पूरी अपने एयर को दे दी है। तो एयर का जो एग्जिट टेम्परेचर होगा वो इनलेट टेम्परेचर ऑफ द एग्जॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो T7 भी हमारा कितना हो जाएगा, 1022.8, ये बराबर होगा इफेक्टिवनेस की वजह से, क्योंकि उसने सारी की सारी एनर्जी एयर को अपनी दे दी है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से T7 भी बदल गया है। तो अब इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास सारे टेम्परेचर्स बदल गए हैं, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी, राइट। तो हमारे पास सारे टेम्परेचर्स आ चुके हैं, तो हम टर्बाइन वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। CP इज 1.005, ठीक है। T3 इज 1400, T4 इज 992.5 प्लस 1.005, एंड T5 इज 1400 अगेन माइनस T6, T6 इज 1022.8। तो ये हमारे पास सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हमारे पास टर्बाइन वर्क आ जाएगा 788.62
ठीक है। तो ये हमारे पास किलो जूल पर केजी, ये हमारे पास टर्बाइन वर्क आ गया। कंप्रेसर वर्क हम निकाल सकते हैं 1.005, ठीक है। T2 हमें गिवन है 500, हमने सॉल्व करा था 579.21 माइनस T1, हमारे पास को ये चीज़ गिवन थी 300, तो ये हमने सॉल्व करा, तो कंप्रेसर वर्क यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा, दैट इज़ 280.61 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और हमारे पास सिमिलरली हम Q सप्लाइड भी निकाल सकते हैं 1.005, T3 इज़ 1400 माइनस T7 इज़ 1022.8 प्लस CP दैट इज़ अगेन 1.005, और T5 हमें पता है 1400 माइनस T4 इज़ 992.5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो इसको हमने सॉल्व करा तो ये भी आ रही है हमारे पास 788.62, ठीक है, किलो जूल पर केजी, राइट। तो यहाँ से हम डब्ल्यू नेट निकाल लेते हैं, डब्ल्यू नेट इज़ WT माइनस WC, दैट इज़ 788.62 माइनस 280.61, तो ये हमारे पास आ जाएगी 508.01, ठीक है, किलो जूल पर केजी। और क्यू सप्लाइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 788.62 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे और विल गेट द थर्मल एफिशिएंसी। तो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 508.01 ओवर 788.62, दैट इज डब्ल्यू नेट ओवर क्यू सप्लाई। तो ये से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.6444, दैट इज 64.44%। तो दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन मॉडिफिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू ड्रॉ द साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। फिर से हमारे पास इनलेट कंडीशंस दे रखी हैं हमें, ठीक है। तो दैट इनलेट कंडीशंस इज कि T1 हमें दे रखा है 300 केल्विन एंड P1 हमें दे रखा है 100 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास इनलेट दे रखा है, एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम दिस टू अ 1000 किलो पास्कल इन अ टू स्टेज कंप्रेसर। अब ये टू स्टेज कंप्रेशन कब होता है, जब इंटरकूलिंग होती है। तो सामने लिखा हुई है इन अ टू स्टेज कंप्रेसर विद इंटरकूलिंग बिटवीन स्टेजेस। तो ये क्वेश्चन इंटरकूलिंग पे है, ठीक है। तो इंटरकूलिंग पे क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरकूलिंग करी गई है, ठीक है। द एयर इज कंप्रेस्ड टू द 300 किलो पास्कल। तो यहाँ से हमें ये इंटरमीडिएट प्रेशर तक इसमें कंप्रेशन करा गया है, टू स्टेज कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये लाइन है। तो दिस इज 1.T1 यहाँ से एंटर हुआ था, और ये कंप्रेस कहाँ तक करा गया, ये कंप्रेस करा गया 1000 किलो पास्कल। तो लेट्स से दिस 1.2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 4 है हमारे पास कंप्रेशन हो गया है इंटर कूलिंग के साथ टू स्टेज, ठीक है। तो ये कहाँ तक कंप्रेस करा गया था, एयर इज कंप्रेस फ्रॉम 100 किलो पास्कल 300 केल्विन टू 1000 किलो पास्कल इन अ टू स्टेज कंप्रेसर। तो लास्ट कंप्रेसर का स्टेज दे रखी है हमें, दैट इज P4 इज गिवन, कि ये 1000 किलो पास्कल तक करा गया है लेकिन टू स्टेजेस में। तो टू स्टेज में क्या करा गया है कि एयर इज कंप्रेस टू द 300 किलो पास्कल। तो इंटरमीडिएट स्टेज भी दे रखी है हमें, दैट मीन्स P2 इज इक्वल टू P3, जो हमें प्रेशर है वो दे रखा है 300 किलो पास्कल तक, ये पहले बार कंप्रेस करा गया था, ठीक है। एंड इज अगेन कूल्ड बैक टू द 300 केल्विन, ठीक है। तो ये T3 पॉइंट दे रखा है हमें, तो T3 इज 300 केल्विन्स इन एन इंटरकूलर बिफोर एंटरिंग इन टू द स्टेज सेकेंड स्टेज कंप्रेसर। ओके, ईच स्टेज इज एक्सेंट्रॉपिक, तो हमने एक्सेंट्रॉपिक लाइन्स ही बनाई हैं स्ट्रेट, ठीक है। फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन एंड नेगलेबल चेंजेस इन कोऑर्डिनेटिक एनर्जी इन द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द इनलेट टू द एग्जिट, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ सेकेंड कंप्रेसर। द टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ सेकेंड कंप्रेसर, यानी कि ये T4 हमसे पूछना चाह रहा है कि T4 बताइए पहले क्या होगा, ठीक है। तो T4 हम कैसे निकाल सकते हैं, T4 हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास P4 और P3 पता हो, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लगाएंगे, T4 ओवर T3 विल बी इक्वल टू P4 ओवर P3 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा, राइट। तो ये हमें यहाँ पे सभी वैल्यूज पता है, T4 हमें निकालना है, T3 हमें पता है 300 केल्विन है, P4 हमें पता है 1000 है, और इंटरमीडिएट P3 ये भी पता है 300 है, ठीक है।
की पावर 1.4 माइनस 1.4, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस वन, तो ये यहाँ से हम टी फोर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट टी फोर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 423.17 केल्विन। तो यहाँ से हम टी फोर निकाल लिया है, तो हमारा टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ सेकेंड कंप्रेसर में मिल गया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टोटल कंप्रेसर वर्क इनपुट पर यूनिट ऑफ मास फ्लो, तो टोटल कंप्रेसर वर्क निकालना है, तो हमारे पास टोटल कंप्रेसर वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल कंप्रेसर वर्क हमारा हो जाएगा सी पी टी टू माइनस टी वन, क्योंकि पहला कंप्रेसर 1 to 2 के स्टेज के बीच में लगा हुआ था, प्लस सी पी और दूसरा टी फोर माइनस टी थ्री, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टी टू नहीं हमें पता कि कितना है, टी वन हमें पता है कि 300 केल्विन था, टी फोर हमने अभी कैलकुलेट करा है, टी थ्री हमें निकालना पड़ेगा, टी थ्री हमें पता है, तो हमें यहाँ पे टी टू निकालना पड़ेगा एक बार कि टी टू कितना होगा, ठीक है। तो टी टू निकालने के लिए अगेन हम एसिंट्रोपिक प्रोसेस पर जाएंगे, तो ये हमारे पास पी टू कितना है 300 और पी वन हमें दे रखा है 100, ठीक है, कि और 1.4 माइनस 1 अपन 1.4, टी वन हमें पता था, तो यहाँ से टी टू जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 410.62 केल्विन, 410.62 केल्विन हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। टी टू की वैल्यू तो हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, दैट इज 1.005 410.62 माइनस 300 प्लस 1.005 टी फोर दैट इज 423.17 माइनस टी थ्री दैट इज 300, तो ये हमारे पास आ गया 234.96 राइट किलो जूल पर केजी है पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास कंप्रेसर वर्क आ गया है, ठीक है। अब भी हमसे पूछ रहा है कि रिडक्शन इन वर्क इनपुट बताइए बाय द इंटरकूलिंग एंड टू स्टेज कंप्रेशन, अगर तो इंटरकूलिंग से और टू स्टेज कंप्रेशन से कितना वर्क इनपुट कम हुआ, तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हम इंटरकूलिंग नहीं करते, ठीक है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकलेंगे, ठीक है, कि वर्क इनपुट टू कंप्रेसर निकालना पड़ेगा हमें विदाउट, ठीक है, विदाउट इंटरकूलिंग एंड टू स्टेज कंप्रेशन। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना होगा अगर हम ये टू स्टेज कंप्रेशन नहीं कर रहे होते और ना इंटरकूलिंग कर रहे होते, तब कितना हमारे को वर्क इनपुट देना पड़ता, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे इंटरकूलिंग नहीं कर रहे होते तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसको टी वन से लेकर टी फोर तक कंप्रेस करते, ठीक है ना, इस पॉइंट तक कंप्रेस करते, इस लाइन तक, राइट। तो दैट इज जो हमारा वर्क आउटपुट होता, लेट्स से दिस इज डब्ल्यू सी डैश, ठीक है। तो डब्ल्यू सी डैश कितना होता, सी पी, ठीक है, ये यहां आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमारे पास कितना होता, ठीक है, क्योंकि ये अगर कंप्रेस यहां से डायरेक्ट कर रहे होते तो हम यहां आता ये चीज, ये पॉइंट यहां आती, तो लेट्स से दिस इज टी फोर डैश, तो हमें टी फोर डैश हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू टी फोर डैश माइनस टी वन। अब वो टी फोर डैश हम कैसे निकालेंगे, अगेन टी फोर डैश ओवर टी वन विल बी इक्वल टू पी फोर डैश से उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर और ओवर पी वन की पावर गामा माइनस वन ओवर गामा। तो ये हमारे पास कितना है, ये प्रेशर लाइन है, तो ये कितनी है हमारे पास 1000, और पी वन की लाइन कितनी है 100 की। तो यहां से हम, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, तो यहां से टी फोर डैश, टी वन की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज 300, तो यहां से हमारे पास टी फोर डैश आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 579.21 केल्विन, ठीक है। तो यहां पे इस वैल्यू को रख देते हैं, दैट इज 1.005 ओवर 579.21 माइनस 300, ठीक है, ये हमें गिवन, ये वैल्यूज मिल जाएंगी, तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 280.61 किलो जूल पर केजी।
ठीक है, तो 280.61 किलो जूल पर केजी हमारा आ गया है वर्क, तब जब हमने कंप्रेसर नहीं लगाया होता, दो स्टेज में कंप्रेशन नहीं करा होता, और हमारा जब एक्चुअल हमने टू स्टेज में करा था तो हमें कितना आया था, 234। तो वी कैन, अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि अगर हम जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन करते हैं तो हमारे को वर्क इनपुट जो होता है वो लेस हो जाता है, तो व्हाट विल बी द रिडक्शन, ठीक है, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो रिडक्शन हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू सी डैश माइनस डब्ल्यू सी दैट विल बी इक्वल टू 280.61 माइनस 234.96, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 45.65 किलो। तो इतना वर्क हमने सेव कर लिया है बाय द टू स्टेज कंप्रेशन, राइट। तो अब लास्ट इसका पार्ट है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क निकालना है इसमें, तो ये पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क, ठीक है। तो लेट से दिस इज आर पीवी साइकिल फॉर द कंप्रेशन जो हमारा हुआ इंटरकूलिंग के साथ, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कैसे होगा कि ये हमारे पास एक कंप्रेशन हुआ, ठीक है, फिर हमारे पास इस पे इंटरकूलिंग हुई और देन वी हैव दिस नेक्स्ट स्टेज कंप्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन करते तो दिस लाइन विल बी लाइक दिस समथिंग, ठीक है, ये ऐसे आ रही होती, ठीक है, आइसेंट्रोपिकली कैसे कंप्रेशन होता है, ये ऐसे हो रहा होता, राइट। तो ये हमारी जो लाइन है ये आइसेंट्रोपिक बता रही है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बता रही है कि अगर हम डायरेक्ट कंप्रेस करते इसको, दिस वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, अगर हम डायरेक्ट इस प्रेशर तक कंप्रेस करते इसको दैट इज P4 तक, ठीक है, तो ये आइसेंट्रोपिकली ये लाइन फॉलो करती, लेकिन हमने क्या करा है, हमने ये इस तरीके से यहाँ पे फिर इंटरकूलिंग करी और फिर टू स्टेज कंप्रेशन करा है, 1 to 2 फिर 2 to 3 इंटरकूलिंग और 3 to 4, दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको क्लोज लेके आ रहे हैं टुवर्ड द आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है ना। तो वो हमसे वही पूछ रहा है कि अगर हम आइसोथर्मली करी होती तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से होती, तो दिस इज योर आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो इसको क्लोज लेके आ रहे हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वो हमसे आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क पूछ रहा है, ये वाला वर्क पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना वर्क होता है हम उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट वर्क फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस इज P1 V1 over ln, ठीक है, दिस इज P2 over P1, ठीक है, तो हम यहाँ पे MRT1 भी लिख सकते हैं इसको, ln P2 over P1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा बेसिक आता है कि हमारे पास जो वर्क होता है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू PdV, ठीक है, फ्लो प्रोसेस में, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिक इक्वेशन होती है, दैट इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वी कैन राइट दिस इज P इज इक्वल टू C/V, और इसको यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो दिस इज C/V dV, ठीक है, कंप्रेशन वर्क है जो वॉल्यूम है वो 1 पार्ट पे ज़्यादा है, 2 पार्ट पे कम है, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू हम 1 से 2 तक इसको कंप्रेस कर देंगे, लिमिट्स में लगा देंगे, तो दिस इज LC, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो LNV, ठीक है, 1 माइनस LNV2 ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा LNV1 over V2, राइट। तो ये हमारे पास दिस इज LN P1 V1 V1 over V2 आ गया, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे पास एक गैस है, एयर है, ठीक है, तो P1 V1 over T1 is equal to P1 P2 V2 over T2 होता है, ठीक है, तो T1 इज कॉन्स्टेंट, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास V1 over V2 की वैल्यू हो जाएगी P2 over P1, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं C ln P2 over P1, राइट, एंड C की जगह हम यहाँ पे, क्योंकि ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो वी कैन राइट P1 V1 और P2 V2 जो भी हमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो हम, क्योंकि हमें इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे P1 V1 और इनिशियल स्टेज पे सब कुछ गिवन है, हमें पता है, तो P1 V1 ln P2 over V1 ये हमारे पास प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, P1 की जगह हम PV इज इक्वल टू MRT को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे MRT1 भी लिख सकते हैं, LNP2 over P1, ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमारे वही चीज़ हमने इस्तेमाल करी है कि आइस थर्मल वर्क कितना हो जाएगा, एम आर टी वन एल एन पी टू ओवर पी वन, ठीक है, बाई यूजिंग द बेसिक प्रोसेस ऑफ आइस थर्मल प्रोसेस, ठीक है, फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमने इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन इस्तेमाल कर ली है फर्स्ट लॉ को यूज़ करके, तो एम आर टी वन एल एन पी टू ओवर पी वन हो गया, ठीक है। तो इफ वील हैव टू फाइंड आउट द आइस थर्मल वर्क पर यूनिट मास, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर टी वन एल एन पी टू ओवर पी वन, ठीक है। आर टी वन हमें पता है, आर इज 0.287, टी वन इज 300, एल एन इंटू पी टू इज हमें पता है 1000 है, ठीक है, जो ऊपर वाली प्रेशर लाइन है दैट इज 1000 एंड पी वन इज 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.287 इंटू 300 एल एन 10। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 198.25 kg पर किलोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क आ गया है पर यूनिट मास, ठीक है। तो सी की दिस इज द मच लेस देन द वर्क जो कि हमें इंटरकूलिंग के बाद ही मिला था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन मॉडिफिकेशंस एंड द गैस टरबाइन साइकिल्स। थैंक यू वेरी मच।